और पोषक तत्वों में कौन कौन आते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब अपन पहला क्या पढ़ लेते हैं मीनू, विटामिन। अब सुनना, पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये विटामिन किस किस में पाया जाता है। मैं आपको लिखाता हूं, एक तो सेब, आंवला, काली मिर्च, इमली, संतरा, नींबू, दूध, मांस, पनीर, लिख लिया सब्जी, लिख लिया सब्जियां, सब्जियां और फल। इटी सिंधरा है अगली अगली का खूब खाओ उनसे बहुत से पदार्थ कुछ भी लोगे ना तो उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन। किसमें ज्यादा होगा, किसमें क्या होगा, कम होगा, लेकिन विटामिन तो पाया जाएगा। अब सुनना सर, इन सभी के अंदर विटामिन पाया जाता है तो ये बात किसने कही। तो यहां से आपको दो नाम मिलेंगे भैया, एक नाम तो मिलता है श्रीपंख का, किसका मिलता है भैया, श्रीपंख, और एक व्यक्ति आता है होपकिंस, क्या आता है भैया, होपकिंस। ध्यान से सुनना, विटामिन में आपको दो नाम मिलेंगे, एक तो श्रीपंख का मिलेगा, एक किसका मिलेगा, होपकिंस का। आपको किसने पूछ ले कि विटामिन नाम किसने दिया तो आप क्या बताओगे, फंक ने। और सर विटामिन की खोज किसने की तो आप किसको बताओगे भैया, होपकिंस को। ये दो चीजें रखने हैं कि विटामिन नाम किसने दिया तो बहनों क्या बताओगे, श्री हन, और खोज किसने की क्या बताओगे, होपकिंस। वापस बताओ, नाम किसने दिया और खोज किसने की, होपकिंस। अब सुनना सर, हमने इन सभी को खा लिया तो आपने किसको खा लिया, विटामिन को खा लिया। आप तो रही है कि काय नाम जो है आप दूध पी लिया था तो दूध में आज देर विटामिन कार्ड बार फेंक दे रहा है, दूध पिया तो ठीक है, पिया विटामिन, विटामिन बॉडी में चला गया तो बॉडी में जाने के बाद में सर इस विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन होते हैं रक्षात्मक। क्या होते हैं भैया, रक्षात्मक, आपकी बॉडी की क्या करते हैं, रक्षा। विटामिन आपके रोग नहीं होने देते हैं, रोग नहीं होंगे तो आपकी बॉडी की क्या होगी, रक्षा। तो विटामिन क्या होते हैं, रक्षात्मक। विटामिन होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं भैया, एंजाइम। दो बात आती, एक हार्मोन, एक क्या होता है, एंजाइम। हार्मोन से तो आपके बॉडी का क्या होता है, विकास होता है, और एंजाइम से क्या होता है, भोजन का पाचन, भोजन को पचाने वाले कौन होते हैं भैया, एंजाइम, और बॉडी का विकास करने वाले कौन होते हैं, हार्मोन। तो आपके भोजन का पाचन होगा वो किसी द्वारा होगा भैया, एंजाइम, और इन एंजाइमों के लिए सही कौन होता है भैया, विटामिन। लेकिन ध्यान से सुनना, विटामिन से क्या नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। अब सत्य तो बता दिया कि दूध पी लिया तो काली खा लिया अपना विटामिन, लेकिन मैं दूध पीवा तो माँ का मान तो पाया हुआ ऊर्जा मिले मन तो। लेकिन सुनना बात, ये आपके दूध का गिलास है और इस गिलास में दूध भरा हुआ है तो दूध के अंदर विटामिन भी पाया जाता है भैया, दूध में वसा भी होती है। जी जी बोला है कि बेटा डेयरी गाय निकल रही दूध दिया प्रॉपर, और दूध दे रहा हो जी बोले बेटा फैट कत्ता आया, बोले बोलो भैया फैट क्या होती है, वसा। तो दूध में विटामिन भी है, वसा भी है, और दूध में क्या है भैया, कार्बोहाइड्रेट भी है, दूध में प्रोटीन भी पाई जाती है भैया। ये चारों के चारों पोषक तत्व दूध में होते हैं भैया, दूध को पिया तो ये चारों के चारों आपके बॉडी में चले गए, इसका अलग काम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग। लेकिन दूसरी आपको ऊर्जा मिली ना, वो ऊर्जा तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की वजह से मिली है,
ना कि विटामिन की वजह से। तो विटामिन से क्या नहीं मिलती है ऊर्जा, कैसे बनेगा सुनना। वह कौन सा पोषक तत्व है, वह कौन सा पोषक तत्व है जो आपको ऊर्जा नहीं देता है, तो क्या बताओगे विटामिन। प्रोटीन से भी आपको ऊर्जा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलेगी, वसा से भी ऊर्जा मिलेगी, लेकिन एकमात्र पोषक तत्व विटामिन, इससे कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती है, बता दोगे। अब सुनना विटामिन के टाइप्स, विटामिनों के ए बी सी डी ई और के। विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। अब सुनना ई का जितने बार कौन मिलेगा, इनके भी बार नहीं होंगे, केवल केवल आपको विटामिन बी के क्या पढ़ने भैया, दिवाली को पढ़ने। इसमें आता है तो विटामिन बी वन को पढ़ना आपको, एक पढ़ना है विटामिन बी टू को, एक विटामिन बी थ्री, एक विटामिन बी फाइव, एक विटामिन बी सिक्स, एक विटामिन बी बारह, ये बी आठ बी नौ अभी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विषय है बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी डबल। अब देखो बी के बाद है ना, इसलिए विटामिन बी को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स विटामिन। क्या कहते हैं भाई नौ कॉम्प्लेक्स विटामिन को ध्यान रखिए, क्योंकि विटामिन के एक दो तीन चार पांच छह भाग पढ़ते हैं, इसलिए विटामिन बी को क्या कहा जाता है कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है, न कि ए सी डी ई की को नहीं जाना जाता, ओनली बी को ही जाना जाता है। अब आगे देखना जो ये विटामिन है, इन विटामिन को अपन घोल देते हैं भैया घुलनशीलता या विलेयता, इन अच्छी तरह समझ लीजिए भैया। विटामिन ए बी सी डी ई के इनको भी अपने बांटेंगे भैया, और इनको बांटेंगे दो प्रकार से, एक तो आएगा जल, क्या आएगा जल, और एक आएगा वसा। सुनना विटामिन को किस में मिला दिया, जल में, विटामिन को किस में मिला दिया वसा में। सर वसा में कौन कौन से विटामिन घुले, जल में कौन कौन से विटामिन घुले, तो विटामिन को बांटने का आधार क्या ले लिया घुलनशीलता या विलेयता। अब सुनना बात काहे की है जल की, ये गिलास है, गिलास में क्या प्रभाव बताओ मेरे लोग पानी, यदि मैं इस पानी के अंदर किसको छोड़ दूं, कीड़ा को, किसको छोड़ दूं बताओ, कीड़ा को छोड़ दूं, के ई डी ए कीड़ा, ए बच गया बी सी, बी सी मतलब भैंस, बी सी क्या हो गई भैंस, बोले भैंस गई पानी, बोले कौन बोला भैया भैंस गई पानी कमाई, तो बी सी विटामिन बी और विटामिन सी, भैंस गई पानी में तो विटामिन बी और विटामिन सी किसमें बोलते हैं भैया पानी। अब क्या बच गया कीड़ा, क्या बच गया कीड़ा, तो कीड़ा किसमें बोल गया बताओ वसा में, किसमें बोल गया वसा में। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके देखना कि बताओ वसा में कौन सा विटामिन नहीं घुलता है, कौन सा नहीं घुलता बताओ, सी किसमें घुलता है जल में, कोई दिक्कत नहीं बनाई कमाए, एक बार सभी बहनों को एक बार साथ साथ बोलना है, तेज बोलना है, तो आपकी थोड़ी नींद उठे और आपके बॉडी में जोर से आए। तो वापस बताओ पोषक तत्वों से आपके बॉडी का क्या होता है पोषण होता है, पोषक तत्वों की कमी से आपका क्या नहीं होगा पोषण, तो उस रोग को क्या बोलते हैं पोषण। पोषक तत्वों में अपन को क्या क्या पढ़ना है, विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट
इंसानों के अंदर ऊर्जा नहीं देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? और इन तीनों से क्या मिलती है आपको? अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे? ये विटामिन इन सभी पदार्थों में पाया जाता है। आपको पूछ ले कि विटामिन का नाम किसने दिया? खोज किसने की? अब एक विटामिन आपके बॉडी में जाएगा तो पहला काम क्या करेगा? रक्षा का काम करेगा। दूसरा किसका काम करेगा? लेकिन विटामिन से क्या नहीं मिलती है? विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई के। लेकिन आपको किसके डिवाइडेशन पढ़ने हैं? बी के। इसलिए विटामिन बी को क्या कहा जाता है? विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा? पहला भाग कौन सा है? दूसरा कौन सा है? अब आपको कैसे पढ़ना है? बस कहाँ गई? पानी में। इसलिए विटामिन बी और विटामिन सी किसमें घुलते हैं? जल में। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? कीड़ा के ई डी ए। एक बार और वापस बोल दो, पोषक तत्व आपकी बॉडी का क्या करेंगे बहनों? पोषण आवाज दिए सभी के ना, तो बताओ पोषक तत्वों की कमी से आपकी बॉडी का क्या नहीं होगा? पोषण। वो क्या कहलाएगा? पोषण। पोषक तत्वों में अपन को क्या क्या पढ़ना है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। वह कौन सा पोषक तत्व है जिससे ऊर्जा नहीं मिलती है? विटामिन। विटामिन का नाम किसने दिया था बताओ? खोज किसने की थी? हॉकिंस ने। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? विटामिन सी क्या नहीं मिलती है? विटामिन कौन कौन से होते हैं? आपको विटामिन बी के कौन कौन से भाग पढ़ने हैं? B1, B2, B3, B5, B6। इसलिए विटामिन बी को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन। और विटामिन को किसके आधार पे बांटा? घुलनशीलता या विलेयता। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पहला भाग कौन सा है? जल में। कौन चली गई थी? बैस। बी और सी किसमें घुलते हैं? जल में। क्या बच गया? कीड़ा के ई डी ए। किसमें घुलता भैया? वसा के अंदर। अब देखना विटामिन ए, पहले ये पढ़ लेते हैं, बस आगे जा देना सभी को। पहला क्वेश्चन सर, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ये विटामिन ए है, ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? कोई बताएगा कभी नहीं? इसमें कार्बन। किसमें पाया जाता भैया? वैसे विटामिन ए सेब में भी होता है, काली मिर्च में भी होता है, और गाजर में भी होता है, अंडों में भी होता है, दूध में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है तो क्या बताओगे? गाजर में। ये तो है कंपिटिशन एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन जो आपके कृषि विज्ञान आती है ना, कृषि विज्ञान, और कृषि विज्ञान के अंदर वो क्या मानता है? पपीता। क्या मानता है भैया? पपीता। सुनना, वैसे तो विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? पपीता में। गौर से सुनना, यदि ऑप्शन में गाजर भी है, ऑप्शन में पपीता भी है, और आपको बोले कि विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो मुख्य किसे मानोगे भैया? पपीता। दोनों ऑप्शन में है तो ये नहीं है तो भी कहेगा गाजर आएगा, और ये नहीं तो कहेगा पपीता आएगा। यदि दोनों आ जाए तो फिर कंफ्यूजन होगा कि सर किसे माने, तो आपको पहले चोट किसे माना? मुख्य रूप से पपीता को माना। अब सुना सर, विटामिन ए की खोज किसने की? सर ये किसने बताया? गाजर, पपीता, काली मिर्च, सेब के अंदर स्पेशल विटामिन ए पाया जाता है, और जिसने बताया था उसने विटामिन ए की खोज की थी, और वो व्यक्ति था मेकुलन। कौन था भैया? मेकुलन। ओबने राखो में विटामिन का नाम किसने दिया था? श्री फंग ने। विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। लेकिन विटामिन ए की खोज किसने की है? मेकुलन ने। अब सर बाय चांस गाजर, पपीता, काली मिर्च से एनेकामा
तो उत्थे काई मुखा वाला विटामिन ए मुखा वाला। तो विटामिन ए की आपकी बॉडी में क्या हो जाती है कमी। काली मिर्च, सेब, गाजर, पपीता, दूध, इनके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इन पदार्थों को आप नहीं खाओगे तो आपने किसको नहीं खाया, विटामिन ए को नहीं खाया। विटामिन ए को नहीं खाया तो आपके बॉडी में विटामिन ए की क्या हो जाती है कमी। और मैंने कहा था विटामिन आपकी बॉडी की क्या करते हैं भैया, रक्षा करते हैं। तो विटामिन ए की कमी होगी तो आपके बॉडी की क्या नहीं होगी, रक्षा नहीं होगी। रक्षा नहीं होगी तो आपके बॉडी में क्या उत्पन्न होगा भैया, रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं गतकुंडी। क्या बोलते हैं भैया, गतकुंडी। किसने आएगा कि रक्तोंदी रोग का संबंध है तो क्या बताओगे, विटामिन ए से। अब बात करो वो है इसे रक्तोंदी क्या होता है, रात में दिखाई, रात में तो थोड़ी दिखाई पड़ गया, रात के माइन तो जिक्र चार तो ना क्या चार भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा का ही है। आपने सुना होगा कि था कि जी जी बोले कि बेटा दिन का मानिए 12 बजे 1 बजे 3 बजे में खूब दिखाई दे रहे, और ये शाम हो जाए 5-6 बजे से तुम्हें दीर्घ मुख मजा बोले तुमको किया। जो आपकी गोधूली शाम होती है 5 से लेकर 6 बजे के टाइम में, उसके अंदर व्यक्ति को कम दिखाई देता है तो उस रोग को क्या बोलते हैं, रक्तोंदी। और उस टाइम प्रकाश क्या होता है, हल्का होता है, तो हल्के प्रकाश में कम दिखाई देना क्या कहलाता है भैया, रक्तोंदी। हल्के प्रकाश में कम दिखाई देता है, ये किस विटामिन की वजह से दिखाई देता है, विटामिन ए की वजह से। मैंने कहा कि काली मिर्च में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। आपका दादा का पासला दादा की बात है, जो डोकरा है भारत जी का डोकरा, वह 31 साल का था, 80 साल का रहे तो फिर भी बड़ा होते बंडोत दिखाई दे रहे हो। वर्तमान में आपा 30-30 साल का, 40-40 साल का था, अपना एडो बहुत बंद जाऊगा, दीख तो दोनों जाओ लो। क्यों सुनो, पहला आदमी का ही खाओ था लाडू, का ही खाओ था लाडू, और बाद लाडवा के मायन का ही डाले था काली मिर्च, या का ही डाले था काली मिर्च डाले था। अब आज था का लाडू को मान काली मिर्च आ जाए कि नहीं, और थोक गम चला चे थूक दियो ये था दीखे, और क्योंकि लाडू में काली मिर्च खाड़ भर अपना तो उनको हो गया है दियो। अब काली मिर्च का सेवन कम में करते हो, काली मिर्च का सेवन कम करोगे ना, काली मिर्च का सेवन कम करोगे तो आपके बॉडी में किसकी कमी होगी, विटामिन ए की। और विटामिन ए की कमी होगी तो आपको कम दिखाई देगा, तो कम दिखाई देना ही क्या कहलाता भैया, रक्तोंदी। कोई दिक्कत नहीं मैं बता देगा। आगे देखो, एक प्रश्न पूछ लेगा यहां से, सर विटामिन ए का रासायनिक नाम भी बताओ क्या होता है, रासायनिक नाम। सुनना, मैं यहां पे ए लिखता हूं टिक, टिक है रक्त पर एक टोपी, रक्त पर एक टोपी, रक्त पे कितनी टोपी बताओ, एक टोपी। या से लिखो ए, या लिखो बी, इनका जो साइलेंट पढ़ना है लगाया, मैं लिखो अगले वो सी और डी और ई और के, ठीक है। रासायनिक नाम याद करने की तो बताओ, रासायनिक नामों की ट्रिक क्या होगी, रक्त पर एक टोपी, और इसमें पर को आपको क्या करना है, साइलेंट, और यहाँ देखो ए बी सी डी ई के। अब आपको किसी का भी नाम पूछ ले, अब आपको पूछ ले कि बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, तो वो रासायनिक नाम किससे स्टार्ट होगा बताओ,
और जो भी ओट्स ने वैसे स्टार्ट है उसको आप क्या कर दो, टिक कर दो। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम वैसे स्टार्ट होगा तो वैसे क्या होगा, रेटिनोल। क्या होगा भैया, रेटिन, क्या होगा रेटिन। विटामिन अब देखो रेटिनोल नाम क्यों पड़ा, आंख में क्या फायदा था आपके रेटिनोल का, मेरे क्या का कम दिखाई देता है क्यों, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया भैया, रेटिन, बता दो क्यों भैया, आगे देखना हो। ये तो ये आपकी विटामिन ए, एक बार वापस सभी को बोल रहा है आगे ध्यान देना। तो है विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है भाई, और किसमें पाया जाता है, दोनों आ जाए तो पहले किसे मान लो के पपीता को, विटामिन ए की खोज किसने की, यदि इनको नहीं खाओगे तो आपके बॉडी में किसकी कमी होगी, इसकी कमी होगी तो आपके बॉडी में कौन सा रोग होगा, रक्तोंदी का लक्षण क्या होता है भैया, रक्तोंदी का संबंध है ये पूछने का किससे, आग से, किससे, आग से, ये पूछ सकता है। आगे बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, बताओ रेटी, ये तो क्या विटामिन ए। एक और पढ़ लेते हैं, विटामिन बी को छोड़ दो पहले, विटामिन सी पिस दो भी, विटामिन सी, विटामिन सी की कार बात चलेंगे आपने खट्टे पदार्थों में, और विटामिन सी किस रोग में मिली पाया था आपको, पाया गया नहीं, इसमें लिखवाया था मैंने पाया गया नहीं, पाया था पाया गया कि उपचार में कौन सा विटामिन सी है, विटामिन सी। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है बहनों, खट्टे पदार्थों में, खट्टे पदार्थों में। अब देखना विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा किसमें होती है, तो ये होती है आंवला में, किसमें होती है भैया, आंवला में। अब धन बुद्धि दे, ऑप्शन में आंवला, इमली, नींबू, संतरा, और बोले कि बताओ विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो क्या बताओगे, आंवला के अंदर। अब कुछ आता है किसी किसी विटामिन सी की खोज किसने की, विटामिन सी की खोज किसने की, और वो व्यक्ति था होलकर, कौन था भाई, होलकर, होलकर, जैसे नींबू संतरा अनखावला, अनखावला तो आपको पढ़ पाए लोग छिलका के बगे बताओ, संतरा खा वाला तो इस उपरण पाइए छिलको होगी, छिलका समेत खाता होगा, बीच छिलका ने खा वाला खोल कर क्या खा वाला, खोल कर खा वाला, खोल कर को क्या समझा आपको, खोल कर संतरा क्या होती है, खट्टी होती है, खट्टे किसमें होते हैं विटामिन सी में, तो विटामिन सी की खोज किसने की भैया, खोल बराबर। अब इनकी कमी हो जाती है तो कमी से क्या होगा, रोग होगा। आप ये खट्टे पदार्थ नहीं लोगे तो सर विटामिन सी नहीं रहेगा, विटामिन सी नहीं रहेगा तो विटामिन सी की क्या होगी, कमी, कमी होगी तो क्या होगा, रोग होगा। पहला रोग होगा उसका नाम है स्कर्वी, का नाम है भाई नो, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है बताओ, मशरूम में क्या नाम, सूजन, मशरूम में क्या नाम भैया, सूजन का नाम, दांतों में क्या नाम भैया, खून का आना, दांतों में क्या आना भैया, खून का आना, क्या कहलाता भैया, स्कर्वी। एक साथ साथ में एक रोग और है, लोग भी को नाम का ही है पाइरिया, और पाइरिया क्या होता भैया, दांतों में पीलापन, दांतों में पीलापन, कोई का दांतन खून आ जाए, मसूड़ा सूज जाए, दांत पीलापन जाए, तो फिर बोल दीजिए बेटा थर टाइम की कमी ही विटामिन सी की, तो दबा गया कहीं था तो आंवला। अब एक कुछ लोग पूछ लेगा यहाँ से, सर विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ, विटामिन सी का रासायनिक नाम किससे स्टार्ट होगा बताओ, ऐसे होगा। अब आपको याद नहीं है, याद तो नहीं कि मम्मी याद है नहीं है, और चार ऑप्शन में दो भी ऑप्शन ऐसे स्टार्ट है ना, उसको टिक कर दो भैया,
और ए का मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब सुनना क्वेश्चन क्या आएगा, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या बताओगे? एस्कॉर्बिक, और एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन सी का। उठाने सभी ने, बिठा दो एक बार वो बोलना है सभी को साथ। विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है? गाजर में, और विटामिन सर्वाधिक किस में पाया जाता है बताओ? सर्वाधिक किस में होगा मुख्य रूप से? पपीता में। विटामिन ए की खोज किसने की बताओ? कमी से कौन सा रोग होगा? गतौंधी का संबंध किससे है? गतौंधी के लक्षण क्या होते हैं भैया? रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी किस में पाया जाता है? सर्वाधिक किस में पाया जाता है? खोज किसने की? कमी से पहला रोग कौन सा होगा? इस कमी की पहचान क्या होती है? दूसरी पहचान क्या होती है? दूसरा रोग कौन सा है? पाइलिया की पहचान क्या होती है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक। आगे चलिए, विटामिन डी, विटामिन ये प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश भैया? सूर्य का। आपको पूछ ले कि विटामिन डी की खोज किसने की, और वो व्यक्ति था हॉपकिंस। क्या नाम था भाई? हॉपकिंस नामक व्यक्ति ने स्पेशल तौर पे बताया था कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अब आगे देखना, वो विटामिन डी का ही है अपवाद, का ही है अपवाद। मैंने आपको बताया था पीछे विटामिन क्या होते हैं? एंजाइम। विटामिन क्या होते हैं? एंजाइम। लेकिन मैंने एंजाइम के साथ साथ में आपको एक नाम को भी लिया था, हार्मोन का लिया था मैंने। विटामिन क्या होते हैं? एंजाइम। लेकिन विटामिन डी अपवाद है, इस विटामिन डी को क्या कहते हैं? एंजाइम। वह हार्मोन वाला विटामिन कौन सा है? तो क्या बताओगे भैया? विटामिन डी। अब सुनना, विटामिन डी की क्या हो जाती है? कमी। कमी से क्या होगा? एग्जाम्पल देखो, अब बार का स्टार्ट होगी, ठंड स्टार्ट होगी, तो भैया ज्यादा ठंड पड़ ली तो दो तीन सोते उड़ ले, दो तीन सौ ओढ़ेगी तो थक बॉडी का मतलब काई कम पड़े लो, प्रकाश कम पड़े लो, प्रकाश कम पड़े लो, इधर बैठ दावली बैठे बैठ दावली उठेगी तो ताकि हड्डियां घूम पाए लो भैया, दर्द महसूस होगा भैया। तो इसी विटामिन डी की कमी से हड्डियों में क्या होती है भैया? जकड़न। क्या होती है? जकड़न। और उसमें पहला रोग का नाम है रिकेट्स। क्या नाम है इंद्रो? रिकेट्स। को ध्यान रखिए, विटामिन डी की कमी से पहला रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। और ये रिकेट्स किसमें होता है? हड्डियों में। किसमें होता है इंद्रो? और ये रिकेट्स होगा बच्चों में। किसमें होगा भैया? बच्चों में। जो बच्चे होते हैं बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियां डैमेज हो जाती है, तो उस रोग को किस नाम से जानते हैं? रिकेट्स के नाम से। दूसरा रोग का नाम है ऑस्टियोमेसिया। का नाम है ऑस्टियोमेसिया। हड्डियों को साइंस में क्या बोलते हैं? ऑस्टियो। तो ऑस्टियोमेसिया का भी संबंध किससे हो गया? हड्डियों से। लेकिन ये किसमें होगा? वयस्क में। किसमें होगा भैया? इसी विटामिन डी को क्या कहा जाता है भैया? सूर्य का विटामिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? सूर्य का विटामिन कहते हैं। इसी विटामिन को
विलासिता का विटामिन कहते हैं। विलासिता का क्या कहते हैं भैया? विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? आदमी अनाप शनाप किस्सा है, वो खेती के दिन कर लेंगे, जो किसान है पैसे कम है उससे अन्न की जरूरत है, तो कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा भी, खेत में जाएगा भर दोपहर में भर धूप के अंदर वो खेत में काम करेगा, तो वो भर धूप में खेत में काम करेगा तो वो विलासिता की जिंदगी है भैया, जो आराम से सोता रहता है वो जिंदगी विलासिता है, और आराम से सोएगा तो उसको क्या नहीं मिलेगा? विटामिन डी। इसलिए विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विलासिता का विटामिन। अब सुनना, आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन जीने वाले व्यक्तियों में, जीने वाले व्यक्तियों में किसकी कमी होती है? विटामिन डी की क्या होती है भाइयों? कमी होती है। जी अंग्रेज, अंग्रेज तावा शुद्ध है, धूप से जलते हैं, धूप से जलते हैं तो वो छाव में रहते हैं, छाव में रहते हैं तो वो क्या जीते जिंदगी? अन्न को जीते हैं, आनंद पूर्वक जिएंगे तो प्रेम मिलेंगे तो क्या नहीं मिलेगा? विटामिन डी। तो आनंद पूर्वक जीवन जीने वाले व्यक्ति में किसी कमी होती है? विटामिन डी की। अब सुनना, रिकेट्स किसमें होता है? बच्चों में, और ये बच्चों की बात बिहेवियर था, हड्डियां कौन सी गुम जाती है? ऑस्टियोमेशिया में क्या होती है? हड्डियां गुम जाती है, हड्डियों में ज्यादा या घुमाव पड़ जाता है। अब ये देखो, एक एग्जाम्पल बताएगा, कोई जाता है कि कहीं है औरत है, औरत मान लो आदमी वाली भाई वाली, यदि जाटों की या कोई सी भी औरत मान लो, यदि कोई भी औरत बड़े धूप में उसकी जिंदगी में बहुत काम किया है, तो देखा होगा आपने ऐसी लेडी या ऐसा व्यक्ति 60 70 80 साल का हो जाता है फिर भी वो क्या कहता भैया? ये वो सीधा चले रहता है। आपने कई औरतों को, कई व्यक्तियों को देखा होगा, वो 40-50 साल के, 55 साल के, 60 साल के हो जाते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं भैया, झुके जाते हैं। अब झुक गए तो उनकी हड्डियों में क्या गया भैया? घुमाव आ गया। क्यों झुके? क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी में दबा के क्या नहीं लिया? सूर्य प्रकाश नहीं लिया, ये नहीं लिया, रुपया नहीं मिला, विटामिन डी नहीं मिला, विटामिन डी नहीं मिला तो उस व्यक्ति ने हड्डियों में क्या गया? घुमाव बना गया। लेकिन जो महिला प्रेजेंट के अंदर धूप में दबा के काम करती है तो देखा होगा वो महिला 80 साल की हो गई फिर भी इतनी सीधी की सीधी भाग गई है, फिर हड्डियों में घुमाव नहीं आता। समझ आई थी विटामिन डी की बात? आगे एक स्टोर देख लियो, विटामिन डी का आपको क्या पूछ ले रासायनिक नाम? क्या पूछ ले बताओ? विटामिन डी का रासायनिक नाम किससे स्टार्ट होगा? रक्त पर एक टोपी, कैसे होगा भैया? अब सुनो, विटामिन डी किसमें होता है? हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। किसकी बनी होती है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैसे स्टार्ट होगा? तो क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। क्या हो गया भाई नाम? कैल्सीफेरॉल। किसे कहा जाता है? विटामिन डी के रासायनिक नाम को कहा जाता है। एक बार वापस में सभी को साथ बोलना है, आगे ध्यान देना है। विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? खोज किसने की थी? अपवाद स्वरूप ये क्या होता है? वाला विटामिन। कमी से पहला कौन सा हुआ? रिकेट्स। किसमें होता है? बच्चों के किस अंग में होता है? दूसरा कौन सा है? ये किसमें होता है? वयस्क के किस अंग में होता है? विटामिन डी को क्या कहा जाता है? विटामिन डी को क्या कहा जाता है? आनंद पूर्वक जीवन जीने वाले व्यक्तियों में किसकी कमी होती है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम। आगे अपन को क्या पढ़ना है? विटामिन ई। सुनना,
विटामिन ए प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? कैसा बीन? सोयाबीन। अब आगे बात करेंगे विटामिन ए की खोज किसने की? दो व्यक्तियां, एक इवान एक नाम बिशप। इवान व बिशप नामक व्यक्ति ने किस विटामिन की खोज की थी? विटामिन ए की। विटामिन ए का आपको क्या पूछ ले रासायनिक नाम? तो बताओ किससे स्टार्ट होगा? तो से होगा। तो से क्या होगा? टोकीफेरोल। क्या होगा भैया? टोकीफेरोल। यदि विटामिन ई की क्या हो जाती है? कमी। कमी से क्या होगा? रोग। और वो रोग होता है बांझपन। क्या होता है भैया? किसी कमी विटामिन ई। अब सर ये दबा सुनो, ये कोई भी महिला है, मानना ये महिला है, इसे महिला की कोई भी संतान नहीं, संतान नहीं है, तो ये महिला कैसी हो गई? बांझपन में आ गई। अब जब बोलो कि मगर सर बताया था कि कहीं क्या होगी ने सोया थी, अब इन तो गाई है ट्रक और ट्रक इसमें भी खिला दियो, अब गाई पर भी कौन पड़े लो, क्योंकि इस महिला ने अपने जीवन के अंदर विटामिन ए का अच्छी तरह सेवन नहीं किया, उसका नतीजा अभी देखने को मिलेगा। और अब जो दबा रखा होगा वो कोई काम का नहीं है, ये आपको अपनी जो युवावस्था होती है उसमें खाना चाहिए, और इनका असर आपको बाद में दिखाई देगा। मैंने कहा था कि जो पहले वाले व्यक्ति थे वो अपनी जिंदगी में लाडू खा देते, लाडू में काली लाओ था भैया काली मिर्च। अब काली मिर्च का सेवन कब तक देखने को मिलता है? 80 साल को वो वृद्धि को भी दिखाई दे रहे, तो इन पोषक तत्वों का असर आपको बुढ़ापे में दिखाई देने को मिलेगा। तो ये सोयाबीन या विटामिन ई जिसमें पाया जाता है उनका अच्छी तरह सेवन करती हूँ महिला, उसको क्या देता हुआ बांझपन नहीं होता। ठीक है, क्या हो सकती है? नपुंसकता। क्या हो सकती है भैया? नपुंसकता। या बोलते हैं जनन तंत्र में क्या होती है? कमी। जनन तंत्र में क्या हो जाती है भैया? कमी। अब सुनो, बोले कि फलानी फलानी लुगाई तो बड़ी सुंदर है, कल बोले फलानी फलानी लुगाई कही है बड़ी सुंदर है, अगर सुंदर गोरा काला का शुभ न भैया व्यक्ति होता सुंदर गुणों से, किससे होता भैया? नाम सुने कि क्रिस गेल सुने नहीं नाम कहीं नहीं हो क्रिकेट क्रिकेट क्या क्या वो कहीं है बिल्कुल कालो के बताओ है कि कालो कालो पुटे की इको इको एक हो और इको दो जाएगा लाभ भी जाएगा है कि तो जाएगा लाभ लेकिन ये उधर आया भैया अपने गुणों से, तो व्यक्ति का काला और गोरा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सुंदर होता है अपने गुणों से। अब सुनो अंदर छोरा छोरी को लिया अबाल वही समाज में दावली लुगाए तो कली एक गोपाली भाई छोरा छोरी अब आत्मा जब बांध रही कहीं तो या बांध रही, इसलिए उसको क्या नहीं बोलेंगे भैया? सुंदर नहीं बोलेंगे। इसलिए विटामिन ए को क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। क्या कहते हैं भैया? सुंदरता का विटामिन कहते हैं। और जरा ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बताओ सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, उसे किसे कहते हैं विटामिन ए? छोरा सूर्य का तो सुंदर ही है, छोरा सूर्य नहीं है तो गाँव में कोई लगे टोक देगी कि आ तो भाई है बांध देगी, तो वह आए भाई सुंदर नहीं, तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन। छापो टापो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। विटामिन के की खोज किसने की? वो व्यक्ति था एच डेम। कौन सा था भैया? एच डेम। जो विटामिन के है इस विटामिन के का रासायनिक नाम बताओ, तो क्या बताओगे बताओ? रथ पर एक टोपी पी से स्टार्ट होगा,
तो पी से क्या हो गया फिलो क्विनो, क्या हो गया भाई फिलो क्विनो। इस विटामिन के की क्या हो जाती है कमी, कमी से क्या होता है कहोगे उसको का मतलब होता है रक्त का थक्का निर्वहन। ये कहाँ है बताओ प्लीज, हीमोफीलिया रहेगा भैया, रक्त का थक्का निर्वहन क्या कहता है हीमोफीलिया, और ये रक्त का थक्का निर्वहन बनाने में और कौन सा विटामिन सही है क्या बताओगे, विटामिन के, विटामिन के घाव बढ़ने में, घाव बढ़ने में क्या होता है भैया सहायक होता साबुन प्राप्त। बताओ विटामिन के सर्वाधिक किसमें पाया जाता है भाई, खोज किसने की थी, रासायनिक नाम क्या होता है, कमी से कौन सा रोग होगा, घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन सही है, विटामिन है।